दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर कौरू जवाहे, जो कि आप कैंसर सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड टोबैको डे 31 को सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर आप बताइए कि कैंसर जो है, ओरल कैंसर जो बोलते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम है, उस बारे में आप बताइए। नमस्कार। टोबैको जो सबको पता है कि जानलेवा है, मोस्ट कॉमन जो होता है टोबैको से वो होता है ओरल कैंसर। ओरल में जीभ का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। उसके बाद ना सिर्फ ओरल कैंसर, टोबैको जो है छाती का, फेफड़े का कैंसर और नीचे पेट में भी कुछ कैंसर है जो टोबैको से होते हैं, जैसे कि पैनक्रियास कैंसर और स्टमक कैंसर। जैसे कि देखा गया, अमूमन 8 प्रकार के कैंसर डिटेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि स्टोमक कैंसर, लंग्स कैंसर, लग गया। तो आप ये बताइए, जो लोग कंटिन्यूस स्मोकिंग करते हैं तो उसको किस तरह का इफेक्ट होता है उनके फेफड़े पे, फाइब्रोसिस पे, उस बारे में। जैसे कि टोबैको के अंदर जो रिसर्च किया गया, ये पाया गया है कि 72 टाइप्स के कार्सिनोजन मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर को बनाते हैं। तो टोबैको के अंदर 72 टाइप्स के कार्सिनोजन पाए जाते हैं, जिसमें से 21 जो कार्सिनोजन है वो डेफिनेटली लिंक है जो कैंसर बनाते हैं। ताकि मुंह का कैंसर रहे या फेफड़े का कैंसर रहे, किसी की तरह कैंसर बनाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस जो रहते हैं वो टोबैको के अंदर मौजूद होते हैं। वो टोबैको के अंदर काफी प्रमाण में पाया जाते हैं। जो स्पेशल जो स्मोकर रहता है, और जो जैसे अभी किसी ने स्मोक को डिटेक्ट कर लिया, जो स्मोकिंग नहीं करता है, पासर्स भाई जो स्मोकर हो, पासर्स भाई जो होते, उनको कितना इफेक्ट होता है स्मोकर्स की अपेक्षा? हाँ, ना सिवाय सिर्फ जो स्मोकिंग करते हैं, बट जो लोग पैसिव स्मोकिंग का मतलब कि जो स्मोक कर रहे उनके आजू बाजू में खड़े हैं, जो भी धुआं निकलता है उसमें भी काफी तरह के कैंसर के केमिकल्स रहते हैं, तो वो उनको भी उतना ही इफेक्ट करता है जो स्मोक करता है। तो ये बताइए सर, ये स्मोकिंग काफी डेंजरस है। Yes. तो आप ये बताइए, ओरल में उसका क्या क्या इफेक्ट होता है? मोस्ट जो सबसे जानलेवा इफेक्ट है वो ओरल कैंसर है, क्योंकि अब एक बार हो गया कैंसर तो बार बार होता है। जरूरी नहीं कि एक बार पूरी ट्रीटमेंट ले तो वापस ना आए, क्योंकि जो टोबैको है पूरे गाल में असर कर लेता है। अगर कैंसर एक जगह हो गया, आपने उसका ऑपरेशन करा लिया, कुछ करा लिया, पर वो वापस आने के भी चांसेस रहते हैं। इसी कारण जो मुंह का कैंसर है जो टोबैको के कारण होता है वो काफी खतरनाक होता है। सर, ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते, सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसे किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं, उस बारे में? शुरुआती लक्षण जो होते हैं, सादा अपना जो छाला होता है वही छाले के रूप में ही शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। अपन उसको जो इग्नोर करते, कोई भी छाला अगर 15 दिन से ज्यादा है, जो बैठ नहीं रहा नॉर्मल ट्रीटमेंट से, उससे हम शुरुआती लक्षण मानते हैं कैंसर के। और उसका जो जो होता है उसको कैसे निदान करें, तो जो भी आपके आसपास का डॉक्टर, उनसे जाके मिलिए, उनको दिखाइए ये छाला मेरा बैठ नहीं रहा, तो इसके लिए क्या कर सकते, तो फिर आपको टेस्ट बताएंगे। जैसे बायोप्सी होता है, तो बायोप्सी से आपको डेफिनेटली निदान मिल जाता है कि कुछ टाइप का कैंसर है, तो कैंसर है कि नहीं है। बायोप्सी के नाम से जनरली लोगों में काफी पैनिक हो जाते हैं कि ये बायोप्सी होता क्या है, उनको लगता है कि एक तरह से सर्जरी होती है, बायोप्सी होती क्या है? ये बायोप्सी और सर्जरी में काफी डिफरेंस है। ये जो मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, वो ओरल कैंसर में नहीं होता। बायोप्सी करने से अपने को सिर्फ छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, ताकि अपने को पता चले कि कैंसर जो है अपना वो किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द कैंसर सबके कैंसर के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, उसके कारण हमें बायोप्सी करना अनिवार्य होता है कैंसर के केस। सर, अभी जैसे अभी जो इनिशियल स्टेज में आते हैं, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आते, वो डिटेक्ट हो जाते, जल्दी रिकवरी होती है। Yes. और लेकिन जो एकदम एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, पूर्व स्टेज में चले जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह का आगे का क्या ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में? ओरल कैंसर में मेन 3 ट्रीटमेंट होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। जो पहले स्टेज का कैंसर होता है उसमें सिर्फ सर्जरी से ठीक किया जाता है, उसमें ना कीमोथेरेपी लगती है ना रेडिएशन लगता है। जो एडवांस स्टेज के कैंसर होते हैं, जो 4 स्टेज में होते हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो। वो पहले देखा जाता है कि सर्जरी लायक बीमारी है कि नहीं है। अगर सर्जरी लायक बीमारी है तो पहले सर्जरी किया जाता है, अगर सर्जरी लायक बीमारी नहीं है तो पहले उसको कीमोथेरेपी देके कम किया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है। कीमोथेरेपी के बारे में ये भी एक मिथ है कि आगे चल के मतलब बाल बाल भी पूरे ये हो जाते, गल जाते, ऐसा लोगों का एक वहम है, उस बारे में क्या कहोगे? मतलब कीमोथेरेपी डेंजरस
लोग समझते हैं उस बारे में। कोई भी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट होते हैं, आप नॉर्मल गोली भी लो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट का भी साइड इफेक्ट होता है। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट बाल झड़ना है, पर अगर आप पूरी तरीके से कीमोथेरेपी लो, पूरे जब ठीक हो जाते हो, कीमोथेरेपी आपके ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो वापस भी आते हैं बाल, वो पहले से अच्छे से आते हैं। अच्छा, हाइजीन मेंटेन करने के लिए स्मोकिंग जरूर, स्मोकिंग की जरूरत है ही नहीं पड़ेगी आपको, जो हाइजीनिक दृष्टि से अच्छा रहना चाहते हैं। तो आप ये बताइए, नो टोबैको डे का पर्टिकुलर थीम क्या है इस साल? इस साल नो टोबैको डे का यही थीम है कि आसपास के आपके साथ जो भी टोबैको खा रहे हो उनको अवॉइड कीजिए, उनको बोलिए, उनको जाके बोलिए कि बाबा इससे कैंसर होता है, उनको दिखाए कि जो आप खा रहे हो उसके पोस्टर पे भी लिखा होता है कि कैंसर, इससे कैंसर होता है और कैंसर जानलेवा होता है। तो आप किसी को भी समझाने जाओ तो उसको बोलो कि ये आपके और आपके साथ में जो रहने वाले हैं सभी के लिए हानिकारक है। शहर और इधर के दर्शक डॉक्टर कौरू जवादे जो कि आप कैंसर सर्जन हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे जो पेशेंट्स है, यदि उन्हें किसी प्रकार के कैंसर से रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट करवाना है, सर्जरी करवाना है, तो निश्चित रूप से वे आपसे संपर्क कर सकते हैं जी। तो सर आप ये बताइए कि यदि पेशेंट्स आपकी तरफ आते हैं कैंसर पेशेंट्स यदि आपके पास आते हैं, तो किस तरह से अपने पास एक अच्छे हाईटेक फैसिलिटीज है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उस बारे में बताइए जी। देखो ओरल कैंसर में जो होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, जो सर्जरी होगी, हाईटेक सर्जरी होगी, वो सारी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। जो रोबोटिक सर्जरी होगी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का रोल नहीं है ओरल कैंसर में, जो रोबोटिक सर्जरी का रोल है वो भी अवेलेबल होने वाली है अभी तो कुछ दिनों में हमारे पास। बट मेनली जो है कैंसर सर्जरी का जो होता है कि अच्छे तरह की सर्जरी हो, सर्जरी इज द ओनली प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द कैंसर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मानिए है कि बीमारी अगर वापस ना आए तो सर्जरी ही अच्छे से हो जाए, वही एक एक में वो इलाज है कैंसर का। तो डॉक्टर जवाद सर आप ये भी बताइए कि आप क्या स्पेशलिटी कैंसर सर्जरी में जी? मैं सारे तरीके से कैंसर ऑपरेट करता हूँ, मुंह से लेके नीचे पैर तक। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ओवरी कैंसर हुआ है, स्टमक कैंसर हुआ, पेट का कैंसर हो, या फिर टेस्टिकुलर कोई भी कैंसर हो, मैं सारे तरीके से ऑपरेट, सारे कैंसर के ऑपरेशन मैं करता हूँ। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर कौरू जवादे, जो कि नो टोबैको कैंसर डे का महत्व को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया और कैंसर कैसा डिटेक्ट हो सकता है और क्या उसके प्राथमिक लक्षण होते हैं और किस तरह ट्रीटमेंट ऑफ लाइन होती है उस बारे में डिटेल्स में सर आपने हमें बताया। और निश्चित रूप से हमारे पेशेंट आपसे संपर्क करेंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे। आपका पर्सनल नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के कभी संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।